चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली गाइस, वो दिन आ चुका है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज मैं बनाने वाला हूँ उसका माइलेज टेस्ट। तो माइलेज टेस्ट जो होने वाला है बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है, बिकॉज़ क्या है, ये हो चुकी है अप्रॉक्स, चल चुकी है 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 किलोमीटर चलने के बाद जो हमें हमारी एंटॉक रेस एडिशन कितनी माइलेज देती है काउंट निकल के आने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस तरीके के यूनिक टाइप के कंटेंट। तो भाई इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब बन जाना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसका जो फ्यूल है वो खाली कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसका जो सारा फ्यूल था वो खाली कर दिया था बॉटल के अंदर, और जो कार्बोरेटर में बचा हुआ है वो सारा खाली कर रहा हूँ। और खाली होते ही हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश 1 लीटर तेल, और उसके बाद जो है इसका ट्रिप मीटर जो हम कर देंगे 0 और स्टार्ट करेंगे अपना माइलेज टेस्ट। तो तब तक फटाफट ही इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। बता देता हूँ ये BS4 मॉडल है, और BS4 और BS6 के अंदर कुछ खास अंतर नहीं है, इक्का दुक्का का फ़र्क है। तो ये आपको आगे भी काम में आने वाला है, BS4 और BS6 के लिए इक्वली चलने वाला है। तो आप लोगों को बस वीडियो के साथ बने रहना है, और चलिए पेट्रोल ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। चला गया मेरे भाई, चला गया, उठ नहीं रही, गई। तो फाइनली पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया है, साइड स्टैंड पे लगाते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही। आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार से, और ये थोड़ा हुआ भी कहाँ पर है, फ्लाईओवर पर हुआ है, आपको सुना देते हैं आवाज़। अरे यार ये देखिए आवाज़ सुनी है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अप्रॉक्स ये 7 किलोमीटर चली है, इसके अंदर जितना भी कार्बोरेटर का तेल था उससे 7 किलोमीटर चली है। तो चलिए बैटरी डाउन हो जाएगी, इससे पहले हम इसके अंदर डालते हैं फ्रेश तेल, निकाल लेते हैं। ये पेट्रोल जो है 1 लीटर मैंने इसके लिए रखा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जो कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये डाल के हम पेट्रोल पम्प तक जा सकते हैं। तो इसको रखते हैं अभी हम बैग के अंदर। तो चलिए पेट्रोल डालते हैं फटाफट से इसके अंदर, पूरा 1 लीटर डालूँगा, क्योंकि ये ऊपर तक भरा होता है तो डालने में थोड़ा सा निकल जाता है, अपने पास जगह नहीं बचेगी। और ये डालना भी बिल्कुल ध्यान से है कि हमारे पास एक भी पेट्रोल की बूंद वेस्ट ना जाए। ये देखो वेस्ट हो ही जाती है कुछ भी करो। पूरा 1 लीटर पेट्रोल हमने इसके अंदर डाल दिया है आपके सामने, कोई स्कैम नहीं होगा। मैं आपको डेट और टाइम दिखा देता हूँ, ये देखो आपको मैं फ़ोन पर दिखाने वाला हूँ, गूगल दिखाने वाला हूँ, कोई स्कैम नहीं है एक तरीके का। तो आप देख सकते हैं 3:01 हो रहा है 24 अक्टूबर 2023। तो अब मैं आपको जब इसका पेट्रोल ख़त्म होगा तब टाइम दिखाऊँगा सेम। तो चलिए एक बार के लिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, हो गई। फाइनली हमारी स्कूटी जो है स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको सुना देता हूँ, और बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और अब इसका ट्रिप मीटर जो है मैं 0 करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, ये 0, इसको भी मीटर को 0 कर लेते हैं, ये 0, 87 को भी 0 कर लेते हैं, 0, दोबारा अगेन ट्रिप बी को भी हम 0 कर लेते हैं। फिर रीडिंग नोट कर लीजिए, 40,395 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है। तो ये हम चलते हैं अपने माइलेज टेस्ट की तरफ, और मैं आप लोगों को हर 10 किलोमीटर के बाद इसका अपडेट दूंगा कि कितनी चल चुकी है अभी तक के लिए। तो चलिए, और अभी हम लगाएंगे इसको मीटर पे ट्रिप ए पे। चलिए बस आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आई होप सो हमें मिले बहुत ही तगड़े वाला माइलेज, या मिलेगा बहुत ही बुरा, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने कितने टाइम से इसका माइलेज का कुछ आइडिया ही नहीं लगाया। जो पेट्रोल डलता है उतने में चल देते हैं, देखते ही नहीं है कि कितनी माइलेज आ रही है कितनी नहीं आ रही है। वो तो आप लोगों को देखने पर पता चलेगा कि हमें 1 लीटर माइलेज के अंदर कितनी माइलेज देखने को मिल जाती है। बट भैया रिज़ल्ट जो है वो बहुत भयंकर आने वाला है, आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहना है।
और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन बोल रहा हूँ भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये देखो हाथ जो है मेरे बिल्कुल वाइट वाइट हो रखे हैं, पेट्रोल निकालने के चक्कर में मैंने आधा लीटर जो है पेट्रोल शहीद कर दिया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं अब यार लोकापट से माइलेज टेस्ट के लिए। हम 10 किलोमीटर के बाद आप लोगों से मिलते हैं, बीच बीच में आप लोगों को सिनेमैटिक थोड़ा सा देखने को मिलते रहेंगे, तो एंजॉय करना वीडियो को और चलिए। हर सिचुएशंस में चलाने वाला हूँ, ट्रैफिक में चलाने वाला हूँ, गलियों में चलाने वाला हूँ, हाईवे पे चलाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को एक बिल्कुल परफेक्ट वाला माइलेज टेस्ट निकल के आए और आप लोगों को पता भी चले कि भाई अगर हम इसको चलाते हैं हाईवे पे तो आप लोगों को पता चले कि इसका एक्चुअल में कितना माइलेज निकल के आता है। और भाई सबसे बड़ी बात यह, 40,000 किलोमीटर चल चुकी है तो इसका इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, तो उसके बाद हमें कितनी इसके अंदर एवरेज देखने को मिलती है वो सबसे बड़ी बात है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। अभी तक ऐसा किसी ने YouTube पर नहीं बनाया है कि भैया लॉन्ग टर्म चलने के बाद एवरेज कितनी निकल के आती है वो बताए, और वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बता रहा हूँ। इसी बात पर लाइक ठोको, चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो फाइनली गाइस हम लोग चल चुके हैं अप्रॉक्स 10 किलोमीटर, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ 17 चली हुई है, ये 10 किलोमीटर ट्रिप ए पे दिख रहा है। तो अप्रॉक्स हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है हमारे 1 लीटर पेट्रोल के अंदर, और कोशिश करूँगा कि मैं इसको ज़्यादातर जाम ट्रैफिक जाम के अंदर चलाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक जाम के अंदर जो होता है एवरेज का असली मायने पता चलता है। हाईवे पर भी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हाईवे पर भी हमें अच्छी माइलेज देखने को मिल रही है, और ट्रैफिक जाम के अंदर भी चलेंगे। दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए हम लोग अपनी अच्छी सी एवरेज निकालेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी एवरेज कितनी मिल रही है। माइलेज टेस्ट निकालते निकालते हम लोग पहुंच चुके हैं महिपालपुर अप्रॉक्स, तो अब मैं लूँगा महिपालपुर के नीचे से, बिकॉज नीचे मिलता है थोड़ा सा ट्रैफिक। ऊपर जाएंगे तो भैया खैचम खैच पहुंच जाएंगे और नीचे जाएंगे थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, तो नीचे ट्रैफिक से निकालते हैं। वैसे तो आज दशहरा है तो हॉलीडे चल रहा है, इस वजह से इतना ट्रैफिक आज है नहीं है रोड पर, बट फिर भी हम नीचे से जाएंगे, हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा तो हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। यार ट्रैफिक तो मिल गया खचा खच वाला, मैं तो सोच रहा था छुट्टी वुट्टी है तो ट्रैफिक नहीं होगा, बट ट्रैफिक तो मिल गया भैया, जैसा सोचो वैसा होता नहीं है कभी कभी, बट कोई बात नहीं, हमें ट्रैफिक में भी टेस्ट करने को मिल रहा है। गाइस ओ माय गॉड, क्या कर रहा है यार वरना वाला, बच गया अभी, ये उड़ जाता यार बंदा। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं G2 पर और मेरे 20 किलोमीटर जो है अप्रॉक्स पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर 19.9 हो चुका है, मतलब अप्रॉक्स 20 किलोमीटर जो है हमारा यहाँ पर। ये यहाँ पर आते 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 ये हो गया 20 किलोमीटर जो है हमारा G2 पर आते आते कम्प्लीट हो गया। 20 किलोमीटर तो ये चल चुकी है, आगे आई होप सो ये हमें 20 तो कवर कम से कम करके दे, ताकि मैं आप लोगों को मुंह दिखाने लायक रहूं। नाक ना कट जाए भैया, ब्लैक पैंथर मेरी नाक मत कटवा दियो। 20 किलोमीटर तुझे कम से कम अभी और चलना है, आगे तेरी इच्छा है, तू जितना चलना चाहे वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा ही होगा हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए भी। अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर, वो रहता है यहाँ से अप्रॉक्स 10 से 15 किलोमीटर दूर, तो और थोड़ा सा हमारा टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ हमारा सारा जो लाइनअप वगैरह होता है संडे को, आप लोगों ने लोकेशन देखी होगी। चलिए यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ यहाँ रुकने का तभी मतलब है जब संडे है या हमारे ग्रुप राइडर्स हमारे साथ होते हैं, बता
अदरवाइज़ यहाँ पर अभी रुकने का मेरा कोई मतलब नहीं था, बट यहाँ मेरे 20 किलोमीटर पूरे हुए तो बस आप लोगों को मैंने दिखाया कि यार देखो मेरे 20 किलोमीटर कहाँ जा कर के ख़त्म हुए हैं। चलिए यार करते हैं हमारा 10 किलोमीटर का रास्ता और कवर, फिर मिलते हैं हम लोग आगे। फाइनली गाइस ब्रेक, इतनी हार्ड ब्रेक कौन लगाता है यार, इतनी हार्ड ब्रेक कौन लगाता है, मतलब इतना भी कोई फास्ट वाला सिस्टम नहीं था जो भाई तूने ब्रेक लगा ली, क्या बोले यार, थोड़ा फील भी नहीं आने दिया मेरे ब्लॉक के अंदर, खुद तो उधर मुड़ गया यार, क्या कहें। तो ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, एकदम क्लीन, जिससे आपको फील कराएगा कि आप इंडिया के अंदर हो ही नहीं, किसी और ही कंट्री के अंदर आ चुके हो। बट भैया ये है हमारा गुड़गांव जो कि पड़ता है दिल्ली से टच में, आप लोग आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। चलिए आप लोग करें इस गुड़गांव के साइबर सिटी को थोड़ा सा एंजॉय। गाइस हम लोग पहुंचने वाले थे अपने फ्रेंड के घर और उससे पहले ही इसके हो चुके हैं 30 किलोमीटर पूरे ट्रिप ए पे, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमारे 10 10 10 मिला के हो गए 30 और अप्रॉक्स उसने 30 किलोमीटर तो भैया कवर कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब जो है ट्रैफिक वगैरह में यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चलाऊँगा अपने फ्रेंड के साथ मिलके और आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा ट्रैफिक पे कि किस तरीके से हमारा ट्रैफिक और इसको मिला करके एक एवरेज निकल के आती है। तो मैं फटाफट अपने फ्रेंड के घर पहुँच रहा हूँ, उसको उठाता हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ा ट्रैफिक के अंदर आप लोगों से। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं, मेरा फ्रेंड है पीछे बैठा हुआ अभी यहाँ पर और बैग जो मैंने आगे रख लिया है बिकॉज स्पेस का इशू हो जाएगा, यहाँ पर दो बंदे बैठ जाते हैं तो भैया थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट अगर पतले पतले बंदे हैं तो तीनों फिट हो जाते हैं। अभी के लिए जो है ये चल चुकी है 31 किलोमीटर और इसको अभी हमने कवर करना है अप्रोक्स हमारा क्या कहा जाए, भैया लेफ्ट राइट नहीं देखोगे घुसे आओगे। तो इसको कवर करना है अभी हमने कम से कम 45 तो दे जाए भैया, नाक कट जाएगी नहीं तो हमारी। चलिए थोड़ा घूमते फिरते ट्रैफिक के अंदर भी इसको चलाएंगे और हम लोग निकालेंगे अपनी बढ़िया सी एवरेज मर्सिडीज। दस किलोमीटर के अप्रॉक्स हम चलाएंगे अपने पिलियन के साथ तो आइडिया भी लगेगा हमें कि एक्चुअल में जाम और पिलियन और खाली रोड पे कितना हमें मिला जुला कर एक मिलेगा एवरेज। चलिए अभी जा रहे हैं यहाँ से 39 सेक्टर में तो वहीं पर मिलेंगे हम लोग आपसे और जैसे ही 10 किलोमीटर और कंप्लीट होते हैं मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ जल्दी, आई होप सो, चलनी चाहिए ये। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ट्रैफिक ट्रैफिक भैया ट्रैफिक, कहाँ पर है यहाँ पर पूछिए उससे, बाइक पार्किंग, बाइक पार्किंग भैया अब पता नहीं ना मुझे यहाँ का, तू बता ना। अच्छा अच्छा यहाँ तो उठ नहीं जाएगी बाइक पार्किंग से, बाइक पार्किंग भैया बाइक पार्किंग सेफ पार्किंग लगाना है, ऐसे लगाना सेफ लगाना है, 20 रुपए पर्ची कटा लीजिए ऊपर जाके सामने लगा दीजिए ऊपर वीआईपी पार्किंग, कहां पर अंदर गाइस। हमारे अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर जो है वो पूरे हो चुके हैं, 339.6 हो चुका है तो ऑलमोस्ट 2-400 किलोमीटर पे ही हमारी जो है ये 40 किलोमीटर कवर कर जाएगी। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा खाने पीने के लिए और उसके बाद जो है अगेन हम अपनी कंटिन्यू करेंगे माइलेज टेस्ट। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ा खा पी करके, टाइम हो गया है 4:57 अप्रोक्स 2 घंटे जो हो गए मुझे चलाते चलाते हो गए हैं यहाँ से चलते चलते। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतनी टेंशन नहीं लेते भाई अपन। और हमारे हो चुके हैं यहाँ पर 40 किलोमीटर कंप्लीट, चलो बढ़िया, देखते हैं भाई तेरा घर यहाँ से होगा करीब करीब 6-7 किलोमीटर तो होगा ही ना सीधा, हाँ तो 6-7 किलोमीटर इस भाई का घर है अपने यहाँ से और
तब तक चल गई तो अपनी देखते हैं कितनी चलती है। बाकी अपने पास एक्स्ट्रा पेट्रोल तो पड़ा ही हुआ है। अरे ब्रो, ब्रो नहीं है ये तो, ये तो कोई और ही है। अरे रास्ता दो मैडम। तो फाइनली हमने ओवरटेक कर लिया है। अब जो है इसकी इम्तिहान की घड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअल में इसका इम्तिहान जो है स्टार्ट हो चुका है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसको। अब ये किस तरीके से हमारे को प्रैक्टिकली देती है एवरेज, चलिए बने रहो वीडियो के साथ। भैया 41 किलोमीटर अप्रॉक्स चल चुकी है। अब हर एक से दो किलोमीटर के बीच में मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा और अपडेट देता रहूँगा कि भैया कितनी चल रही है ये और क्या एवरेज देखने को मिल रही है हमें। तो यहाँ से लेफ्ट जाना है, चलो ठीक है भाई लेफ्ट चलते हैं। सो फाइनली गाइस 43 किलोमीटर ये ऑलमोस्ट चल चुकी है और पेट्रोल की अभी कोई नीड मुझे लग नहीं रही है, ना कोई जर्क आ रहा है, ना कोई पावर में मुझे कम लग रहा है, ऐसा कुछ होगा। सो देखते हैं, अभी तक के लिए 43.1 हो चुका है, 2 हो गया तो चल रही है और बहुत अच्छा माइलेज निकाल करके हमें दे रही है। देखते हैं कितना और चलती है। अब ये इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, आई होप सो अच्छी माइलेज निकाले। निकाल तो अच्छी दिया बट और प्लस जा रहा है तो प्लस कितना जाता है देखते चले जाएंगे अभी। सो फाइनली गाइस हमारा 45 किलोमीटर जो है हमारा ये अप्रॉक्स चल चुकी है भाई। मज़ेदार वाली एवरेज निकल के आ रही है आपके सामने। भैया मैंने कोई फालतू का कोई क्लिक बिट नहीं किया है, जो भी है आपके सामने चल रही है। BS4 मॉडल है। अभी देखते हैं ये 45 के आगे कितना चलने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हो गई है अभी। फाइनली गाइज हमने चला ली है 47 किलोमीटर अप्रॉक्स, 47 प्लस हो गया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 47.2 हो गया है। तो देखो भैया अभी और कितनी जाती है। भाई चल तो बड़ी तगड़ी रही है, ये एवरेज तो बड़ी भरपूर दे रही है। अभी के लिए चलते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे कितनी दे रही है हमें एवरेज। ये हो गया फील भाई, लग रहा है जाने वाली है। 48.5 हो गया अब तो भाई, ये कभी भी बंद हो सकती है भाई। अब भाई बने रहो वीडियो के साथ क्योंकि ये कभी भी ठाँ बोल जाएगी अप्रॉक्स। मेरे हिसाब से तो यार 50 चल जाए तो अच्छी बात है क्योंकि जर्क लेनी शुरू हो चुकी है बिल्कुल ही। हाँ हाँ भाई जर्क हुआ, बिल्कुल जर्क हुआ और मैं कोशिश करूँगा। अबे जर्क लगता है, फील होता है क्योंकि पेट्रोल जब कम हो जाता है ना तो वो अपनी पावर होती है, जर्क हुआ ना। चल 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 चल, अरे चल झटका तो ले, कुछ तो ले, उठ 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 उठ। हाँ उठगी 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 भाई, बिल्कुल खत्म करना है पेट्रोल, बिल्कुल 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 खत्म खत्म कर खत्म खत्म। उठ 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 उठ। हाँ 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 चलेगी 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 भाई, ये मेरी स्कूटी है ये चलेगी। चल 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 उठ उठ जा। नहीं उठेगी नहीं उठेगी, गई गई। फाइनली भैया पेट्रोल जैसा ख़त्म हो चुका है और आप लोगों को दिखा देता हूँ रीडिंग कितनी हो गई है। 49.1 अप्रॉक्स आप लगा लो कि भैया 50 किलोमीटर के आसपास ये एवरेज जो दे रही है हमें, ये निकाल के दे रही है। और अभी जो है मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ, मैं कोई क्लिक बिट नहीं कर रहा हूँ, गूगल पे मैं आपको टाइम दिखाने वाला हूँ, डेट दिखाने वाला हूँ कि आज का जो टाइम और डेट है वो क्या चल रहा है। ये देखो 5:25 24 अक्टूबर 2023। तो भैया सेम रीडिंग नोट कर लो, ये है अपनी 40445 और मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई थी। तो ये हमें इसके हिसाब से दे रही है, यहाँ पर हमारा ऑन था ट्रिप मीटर ऑन 49 से हमारे को जो एवरेज दे रही है 49 की एवरेज दे रही है। तो आई होप आप लोगों को जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ पेट्रोल जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा वाला।
तो इसमें चला गया अब और पेट्रोल, जिससे ये स्टार्ट होकर चली जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एक बार। और इतनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, 40,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। और 40,000 किलोमीटर चलने के बाद BS4 इंजन जो हमें दे रहा है वो दे रहा है 49 किलोमीटर की एवरेज, इसके अंदर हमें 1 लीटर के अंदर दे रहा है। और आपके सामने मैंने कोई क्लिक बिट नहीं किया है, जो भी दिखाया है सब आपको लाइव दिखाया है। तो अभी इस बात पर आपने कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम मेरी मिल जाएगी आपको आईडी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सेफ राइड करें, हेलमेट लगाइए, बाय।